दोस्तों, अपने घर का वंश चलाने का रिवाज तब से चला रहा है जब से इंसान पहली बार इस धरती पर आया था। हम अपने चारों ओर छोटे बड़े इंसानों को देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये इस दुनिया में कैसे आए और कैसे एक दूसरे से ये अलग हैं। शादी करना पूरी दुनिया में रिवाज है। ये एक ऐसा कानूनी रिश्ता है जिसमें आप अपनी बची हुई जिंदगी के लिए एक पार्टनर को चुनते हैं, और इस शादी के बाद ही पति पत्नी पर दबाव होता है कि वो अपना वंश आगे बढ़ाएं। और ऐसा ही कुछ हमेशा से चलता आया है। घर में आने वाला बच्चा सभी की खुशियों का कारण बन जाता है। उसका स्वास्थ्य, उसकी जरूरत, सभी का ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे ही माता पिता हैं नंदा और नरनंदा कुमारी, जो कि काठमांडू नेपाल के रहने वाले हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सुनीता दुबे को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। नंदा ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम रमेश कुमारी रखा। ये छोटा बच्चा पूरे परिवार में खुशियों का कारण बनने वाला था। बेशक ये परिवार बेहद गरीब था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की आने की खुशी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी कुछ अलग हुआ। नंदा समझ चुकी थी कि उसके बेटे के साथ कुछ अजीब जरूर है। समय बीतने के साथ साथ बच्चे की त्वचा सूखी, खुरदरी और कड़क बनती जा रही थी। शुरुआत में सभी को लगा कि ये किसी तरह की एलर्जी हो सकती है जो कुछ ही दिनों में वापिस चली जाएगी, लेकिन हालात समय के साथ और बिगड़ते गए क्योंकि अब एलर्जी बच्चे के पूरे शरीर पर फैलने लगी थी। एक समय पर बच्चे की त्वचा को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन उसके साथ साथ होने वाली और बीमारियों से ध्यान नहीं हट रहा था। ये बच्चा हमेशा बीमार रहता था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उससे अपना मुंह भी नहीं खोला जा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो मुंह खोलता तभी उसके मुंह की त्वचा टूटकर दर्द करने लगती थी। इसी बात से परेशान होकर माता पिता अपने बच्चे को पासी के हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स इस बच्चे को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये बच्चा बस एक पत्थर की तरह बनता जा रहा था। शुरुआत में डॉक्टर्स को भी ये फंगल इन्फेक्शन ही लग रहा था, लेकिन बाद में डॉक्टर समझ गए थे कि ये बच्चा इस दुनिया की सबसे रेयर बीमारियों में शामिल एक बीमारी से ग्रस्त है। और अब वो ना सिर्फ बीमारी से ग्रस्त है, बल्कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहद कम हो चुकी है। उसे दिखाई भी बहुत कम देता है और सुनने में भी उसे बेहद समस्या होती है। उसके पैर एक अजीब से आकार में आकर मुड़ चुके हैं और अब वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। वो अब बोल भी नहीं सकता था, और इन सब की वजह से माता पिता बेहद दुखी थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार डॉक्टर से मिल रहे थे जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता। कुछ हॉस्पिटल्स में धक्के खाने के बाद, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि ये बच्चा हर्लेक्विन इथियोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है। ये एक ऐसी बीमारी है जो 5 लाख में से एक के अंदर पाई जाती है। ये एक जीनेटिक बीमारी है जिसमें त्वचा कुछ ऐसी बन जाती है। इस वजह से पूरा शरीर परेशानी में आकर सही से काम नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा इससे कान प्रभावित होते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त होकर ये बच्चा अब पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर हो चुका था। इस बीमारी को देखते हुए डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए बच्चे को लंबा समय लगेगा। इस बीमारी का इलाज तो था, लेकिन वो जल्दी से मिलने वाला भी नहीं था, और अगर मिलता भी तो उस पर बेशुमार पैसा लगाना पड़ता, जो कि माता पिता के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला था। वो फिर भी अपने बच्चे को किसी तरह खुद ही ठीक करने में लगे हुए थे। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अपने बच्चे को रमेश के साथ खेलने से बंद करवा दिया। अब रमेश के पास गिने चुने लोग ही बचे हुए थे। अब बच्चे को बचाने की लड़ाई लंबी थी, और कोई चमत्कार ही बच्चे को नया जीवन दे सकता था। शायद माता पिता की दुआ कबूल हुई और मदद एक अजीब ही तरीके से बच्चे तक आई। एक शाम माता पिता को बताया गया कि मशहूर गायक जोस्टोन उनसे मिलना चाहती है। माता पिता ये बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने इस गायक का नाम ही पहली बार सुना था। प्रसिद्ध हस्ती के आने की तैयारी शुरू हो गई थी। जोस आई और उसने रमेश से मुलाकात करी, और उसने बताया कि उसका काठमांडू में अभी एक कॉन्सर्ट है, और उससे आने वाला पैसा वो रमेश के इलाज के लिए दान करेगी। ये खबर सुनकर रमेश के साथ साथ उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। रमेश अब तक 11 साल का हो चुका था, और अब जाकर उसका सही इलाज शुरू होने वाला था। उसका इलाज शुरू हुआ और रमेश का इलाज आज भी अमेरिका में चल रहा है, और जैसे ही उसके बारे में कुछ और पता लगेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। रुके रुके, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी मैं आपको कैला नामक एक महिला की कहानी बताने वाला हूँ। ये महिला इस दुनिया की सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक बीमारी से ग्रस्त है, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है। इस बीमारी में होने वाले दर्द का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से बुरी तरह जल रही हो। कैला बताती है कि जब वो 1-2 डिग्री तापमान वाली जगह पर जाती है, तब भी उसे अपने शरीर के अंदर
जलन महसूस होती है। अपनी इस बीमारी से लड़ते हुए कैला आज भी इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है। इटली की रहने वाली 27 साल की कैला एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। तब तक उनके शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी गई थी, लेकिन रेस्टोरेंट में काम करते हुए एक रात कैला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। होटल के किचन से बाहर जाते हुए उनका हाथ वहां के दरवाजे में आकर कुचला जाता है। उनको बस लगा कि ये बस एक घाव है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसी हादसे के बाद डॉक्टर्स ने कैला को बताया कि उसके शरीर में मौजूद टिश्यूज के काम करने की स्थिति अब बदल चुकी है, लेकिन कैला ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और सिर्फ 2 ही हफ्ते बाद उसके हाथ का ये हाल हो चुका था। अब तक उसकी त्वचा में दर्द होना भी शुरू हो गया था। अब कैला को लगने लगा था कि उसके साथ अब कुछ गलत हो रहा है। अंदर उसे जलन महसूस होने लगी, लेकिन अगर बाहर से कोई छूकर देखता तो उसे सब कुछ सामान्य ही लगता। जांच के बाद पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब एक महत्वपूर्ण नस को किसी भारी हमले से क्षतिग्रस्त ना किया जाए। इससे पूरा नर्वस सिस्टम खराब होकर अजीब से व्यवहार करने लगता है और दिमाग को दर्द भरे सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। बेचारी कैला आज भी अपने दर्द की वजह से परेशान है। अब वो कहीं भी जाती है तो ये जलन उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इन दोनों में से सबसे बुरी कहानी कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।